भारत के सम्माननीय रतन टाटा सर ने टाटा कैपिटल फाइनेंस की शुरुआत की थी। तो आप समझ ही सकते हैं दोस्तों कि टाटा कैपिटल कितना ट्रस्टवर्दी है। आपको मैं बता दूं दोस्तों, जितना अंबानी के पास में पैसा है उतना रतन टाटा सर ने पैसा डोनेट कर दिया है, सो इतना दान कर दिया है गरीबों में। तो यहाँ पर आप समझ चुके होंगे कि अगर वो पैसे इतना पैसा दान कर सकते हैं तो इस सेक्टर में यानी कि फाइनेंस के सेक्टर में भी वो क्यों नहीं यहाँ पर सेवा करने का मौका लेंगे। तो उन्होंने भी यहाँ पर टाटा कैपिटल की शुरुआत की थी इसके साथ में कि बहुत कम इंटरेस्ट रेट और लो सिविल स्कोर पर भी आपको यहाँ पर लोन मिल जाए। वैसे तो यहाँ पर जो कि इंटरेस्ट रेट आपको कम मिलेगा मिलेगा, बट बहुत सारे ऐसा रहता है कि जो गरीब रहते हैं उनके पास में इनकम प्रूफ नहीं रहता है। तो उन्होंने यहाँ पर जो है कि विदाउट इनकम प्रूफ में भी आपको जो है कि यहाँ पर लोन प्रोवाइड करने के यहाँ पर ठाना है, ठीक है। तो आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर जो टाटा कैपिटल है ये आपको 10 लाख रुपए तक का लोन बहुत आसानी से दे देता है, और जो है कि यहाँ पर आप 40,000 का मिनिमम लोन और 10 लाख रुपए तक का मैक्सिमम लोन ले सकते हैं। अगर आपको किसी भी इमरजेंसी में पैसों की ज़रूरत है तो आप टाटा कैपिटल की साइट जा सकते हैं, क्योंकि टाटा कैपिटल एक बहुत ज़्यादा ट्रस्ट लेवल है इसका, और रतन टाटा सर का तो मेरे दिल में बहुत सम्मान है उनका। तो यहाँ पर आपको मैं बता दूँ, टाटा कैपिटल ने मुझे यहाँ पर 10 लाख रुपए तक का लोन प्रोवाइड किया है। 10 लाख रुपए में से मैं अगर जो है कि लेना चाहूँ कम से कम तो 40,000, और मैक्सिमम मैं जो है कि यहाँ पर 10 लाख रुपए तक का यहाँ से लोन ले सकता हूँ। टाइम पीरियड की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 12 महीने, 24 महीने, उसके बाद में 36 महीने। तो जितना भी मैं लेना चाहूँ उतना यहाँ पर जो है कि मैं सिलेक्ट करके यहाँ से जो है कि डायरेक्टली कंटिन्यू कर सकता हूँ। तो अगर आपको भी लेना है विदाउट इनकम प्रूफ पर और लो सिविल स्कोर पर तो इस वीडियो में बने रहना। मैं इस वीडियो में आपको कम्प्लीटली बताऊंगा कि आप किस प्रकार से यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। तो चलो हम वीडियो में आगे चलते हैं, और वहाँ पे मैं पूरा आपको स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ कि किस प्रकार से आपको जो कि टाटा कैपिटल की एप्लीकेशन मनीफाई में आपको लोन अप्लाई करना है। तो चलो बढ़ते हैं वीडियो में आगे की ओर। सबसे पहले आपको आना है प्ले स्टोर पर, यहाँ पर मनीफाई टाटा कैपिटल एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है। टाटा कैपिटल की साइट से ऑफिशियल लॉन्च की गई है एप्लीकेशन, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। टाटा कैपिटल एक RBI NBFC अप्रूव्ड एप्लीकेशन है, तो आपको जो कि यहाँ पर टेंशन नहीं लेना है। यहाँ पर 4.2 रेटिंग के साथ में 5 मिलियन प्लस के डाउनलोड है इसके, आप देख सकते हैं रेटिंग वगैरह भी बहुत अच्छी अच्छी आपको देखने को मिल जाएगी। इसके बारे में अधिक जानकारी आपको लेना है अबाउट दिस एप्लीकेशन में आना है, यहाँ पर आपको पूरी जानकारी देखने को मिल जाती है, जिसमें आपको म्यूचुअल फंड, SIP, लमसम, स्टॉक एंड फिक्स डिपॉजिट और लोन के बारे में आपको देखने को मिल जाता है इस एप्लीकेशन में। चलो जो कि यहाँ पर हम जो है कि इन लोन को अप्लाई करने के लिए हम जो कि एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके ओपन करते हैं। जैसे हम एप्लीकेशन को ओपन करेंगे आपको जो कि नोटिफिकेशन वगैरह यहाँ पर अलाउ कर देना है, उसके बाद आपको जो कि आपका मोबाइल नंबर यहाँ पर फिल करना है, देन आपको यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक करना है। आपके पास में एक OTP आएगा, वो OTP ऑटोमेटिकली फिल हो जाता है। यहाँ पर आपको जो है कि अब करना क्या है, आपको साइन अप करना है। उसके लिए आपको जो है कि यहाँ पर आपकी Gmail ID चूज़ करना है। चलो एक Gmail ID से मैं यहाँ पर साइन अप कर लेता हूँ। उसके बाद आपको साइन अप पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको जो है कि आपको इंटर MPIN करना है, यानी कि आप 6 डिजिट का MPIN यानी 4 डिजिट का MPIN आपको चूज़ करना है, देन आपको सेट MPIN पर क्लिक करना है। उसके बाद आप चाहे तो यहाँ पर आपको जो है कि आपका आप फिंगरप्रिंट रजिस्टर करवा सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको यहाँ पर इनेबल कर सकते हैं। इनेबल आप करेंगे तो आपको वेरीफाई कर देना है, उसके बाद आपको जो है कि नेक्स्ट प्रोसेस आपका आ जाएगा। यहाँ पर आपको जो है कि आपका पैन कार्ड नंबर इंटर करना है, उसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ इंटर करना है, सॉरी यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ फिल करना है। उसके बाद आपको जो है कि यहाँ पर आप चाहें तो आप स्कैन भी कर सकते हैं आपका पैन कार्ड को यहाँ से, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं व्हाई डू वी नीड यूअर पैन डिटेल्स, यहाँ पर उन्होंने बता रखा है क्यों आपकी पैन डिटेल्स की ज़रूरत है। चलो जो कि यहाँ पर ये फिल करके हम स्टार्ट प्रोसेस पर क्लिक करते हैं और फाइनल प्रोसेस हम स्टार्ट करते हैं। उसके बाद में आपको जो है कि आपके पैन कार्ड के बेसिस पर आपका नेम और डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर फेच कर लिया जाएगा। आपको यहाँ पर फादर नेम इंटर करना है, ठीक है। फादर नेम इंटर करने के बाद जेंडर सेलेक्ट करना है, मैरिटल स्टेटस आपको बताना है, आपका प्रोफेशन आपको बताना है, आप जो है कि क्या करते हैं, सैलरी या सेल्फ एम्प्लॉयड, इंडिया कंट्री आपको, उसके बाद में प्लेस ऑफ बर्थ आपको यहाँ पर चूज़ करना है। नेक्स्ट आपका जो है कि यहाँ पर नीचे आप आएंगे तो आपको यहाँ पर एड नॉमिनी आप करना चाहते हैं तो आप एड नॉमिनी पर क्लिक करना है, देन आपको जो है कि यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको जो है कि यहाँ पर नॉमिनी एड नहीं करना है तो यहाँ पर आप जो कि नो पर क्लिक कर देना, या फिर करना चाहते हैं तो आपको जो कि यहाँ पर उसकी भी पूरी जानकारी दे देना है। चलो हम नो पर क्लिक करते हैं। उसके बाद आपको जो है कि आपका एक और बार OTP आएगा 6 डिजिट का, वो भी आपको यहाँ पर ऑटोमेटिकली फिल हो जाता है, देन आपको वेरीफाई पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको जो है कि यहाँ पर आपको सोर्स ऑफ इनकम बताना, आपको यहाँ पर चेक या फिर आपको बैंक से आती है तो हम जो कि बैंक यहाँ पर चूज़ कर लेते हैं। आपके एनुअल स्लैब आपकी कितनी है वो आपको बताना, आप एक साल में कितना यहाँ पर कमा लेते हैं,
ठीक है। उसके बाद आपको जो है कि यहाँ पर इंडियन रेसिडेंस है तो आपको फर्स्ट पर क्लिक करना है, देन आपको जो है यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको जो है कि यहाँ पर किस लिए अप्लाई करना है इस एप्लीकेशन में वो आपको बताना है। तो हम जो है कि यहाँ पर ना तो हमें म्यूचुअल फंड चाहिए ना SIP, हम जो है कि यहाँ पर लोन के लिए अप्लाई कर ले तो हम लोन पर क्लिक करते हैं। नेक्स्ट आपको जो है कि यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जिसमें आप देख सकते हैं पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड, बिजनेस लोन, होम लोन, गोल्ड लोन, लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज़। हम जो है कि यहाँ पर पर्सनल लोन पर क्लिक करते हैं। नेक्स्ट आपको जो है कि यहाँ पर आपका पैन कार्ड नंबर इंटर करना है, उसके बाद आपको ऑक्यूपेशन बताना है आपका ऑक्यूपेशन क्या है, उसके बाद आपको जो है कि यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करना है। उससे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं इनके लैंडिंग पार्टनर यहाँ पर इतने प्रकार के, बट ऊपर ही ऊपर है यहाँ पर टाटा कैपिटल। तो हम जो कि टाटा कैपिटल से अप्लाई करेंगे, इनमें तो हम पर्सनली भी अप्लाई कर सकते हैं अगर हम चाहें तो, बट हम जो कि अप्लाई करते हैं सबमिट पर क्लिक करते हैं। नेक्स्ट आपको जो है कि यहाँ पर अप्रूवल देखने को मिल जाता है कि उनको आपको जो कि लोन देने के लिए तैयार है, जिसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं क्रेडिट भी यहाँ पर बता रखा है, जिसमें आपको जो है कि यहाँ पर ऑफर में दिया जा रहा है कि आपको 100% ऑफ तक आपकी प्रोसेसिंग फीस यहाँ पर ऑफ हो जाती है। ये बहुत अच्छी बात है, आप चाहें तो यहाँ पर पर्सनली क्रेडिट भी को इंस्टॉल करके वहाँ से भी अप्लाई कर सकते हैं, आपको यहाँ पर वहाँ पर भी लोन मिल जाएगा। 10 मिनट में आपको जो है कि यहाँ पर आपको अकाउंट में मिल जाता है। यहाँ पर टाटा कैपिटल ने भी हमें ऑफर दिया है, तो हम जो कि टाटा कैपिटल से अप्लाई कर रहे हैं, तो टाटा कैपिटल से हम जो कि यहाँ पर क्लिक करेंगे, आप देख सकते हैं 100% डिजिटल है और हम जो कि 84 मंथ के लिए यहाँ पर लोन ले सकते हैं। हम अप्लाई नो पर क्लिक करते हैं। नेक्स्ट आपको जो कि यहाँ पर आपका एम्प्लॉयमेंट टाइप चूज करना है, मोबाइल नंबर इंटर करना है, देन आपको क्लिक टू प्रोसेस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको जो कि सिलेक्ट ऑल पर क्लिक करना है, चेकबॉक्स पर क्लिक करना है। आपको जो कि यहाँ पर इस प्रकार इंटरफेस देखने को मिल जाएगा, एक और OTP आएगा, वो OTP यहाँ पर फिल करना है, वेरीफाई OTP सबमिट पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको जो कि आपका पेन डिटेल्स यहाँ पर फिल करना है, जिसमें आपका जो है कि फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, मेल, आप जेंडर आपका चूज़ करेंगे, पिन कोड आपको डाल देना है, कंपनी का नेम, मंथली सैलरी आपकी कितनी है, वर्क, ईमेल आईडी आपको जो है कि अच्छे से डालनी है, जो भी आपकी प्रोफेशनल ईमेल आईडी वो यहाँ पर फिल करना है। आपको यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको जो है कि यहाँ पर इस प्रकार इंटरफेस देखने को मिलेगा। आपकी ईमेल आईडी को यहाँ पर जो है कन्फर्मेशन भी मांग सकते हैं, वो आपको ध्यान में रखना, ईमेल आईडी गलत में डालना। आप यहाँ पर देख सकते हैं हम जो कि यहाँ पर चेक से लेते हैं या फिर कैसे लेते हैं, वो आपको जो यहाँ पर चूज़ करना है। हम जो कि यहाँ पर लेते हैं बैंक ट्रांसफ़र से, हम जो कि यहाँ पर बैंक ट्रांसफ़र पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट आपको जो है कि आपके मंथली ऑब्लिगेशन बताना है, ऑर्गेनाइजेशन टाइप आपको चूज़ करना है और टोटल ईयर ऑफ वर्क एक्सपीरियंस आपको बताना है, कंपनी का नाम आपको वगैरह सब कुछ यहाँ पर फिल करना है, देन आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपको जो है कि यहाँ पर फाइनल अप्रूवल देखने को मिल जाता है, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं हम जो कि यहाँ पर 10 लाख रुपये तक का लोन यहाँ पर एलिजिबल हुए हैं, जिसमें आप चाहे तो यहाँ पर जो है कि 39,999 आप जो कि अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आप जो कि 10 लाख रुपये भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो अब जो है कि यहाँ पर हम कम अप्लाई करते हैं, चलो हम जो है कि यहाँ पर इसको स्लाइड करके यहाँ पर कम भी कर सकते हैं। अब जो है कि यहाँ पर आपकी EMI मंथली आप जो कि चूज़ कर सकते हैं, आप कितना चाहते हैं, देन आपको यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपको जो है कि आपकी KYC करनी होगी, जो कि आपको आधार वगैरह से आपको करनी है, जब जो कि प्रोसेस पर क्लिक करते हैं। उसके बाद आपको जो है कि यहाँ पर आपका आधार नंबर इंटर करना है, या आपको कैप्चा दिखाई दे रहा फिल करके नेक्स्ट पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको जो है कि आपका OTP आएगा, वो OTP फिल करना है, देन आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपको जो कि 6 डिजिट का आपको MPIN सेट करना होगा, अगर नहीं पता है तो आप फॉरवर्ड कर सकते हैं, आप जो कि पर्सनली भी सेट कर सकते हैं मनचाहे, कंटिन्यू पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको जो है कि आपका जो भी आपके डिजी लॉकर में अवेलेबल है उनको फेच करने के लिए परमिशन मांगता है, तो आपको एलो पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको जो है कि आपका एड्रेस वगैरह सब फेच कर लिया जाएगा, तो आपको यहाँ पर दिखा दिया जाएगा पूरा एड्रेस वगैरह, अगर सही है सब कुछ तो आपको आई कन्फर्म पर क्लिक करना है, नीचे जो दिखाई दे रही है वाला। उसके बाद चेकबॉक्स पर क्लिक करना है, नेक्स्ट आना है। उसके बाद सेल्फी आपको देनी है, सेल्फी में आपको जो है कि यहाँ पर प्रोसीड टू सेक्स टेक्स सेल्फी पर क्लिक करना है। ये जो इंस्ट्रक्शन बता रहे हैं वो आपको ध्यान में रखना है, तो आगे हम सेल्फी लेके हम इसमें अपलोड कर देते हैं। उसके बाद आपको जो है कि यहाँ पर आपको आपका यहाँ पर डिटेल्स देना होगा, बैंक डिटेल्स, जिसमें हम जो है कि यहाँ पर हमारा बैंक डिटेल्स का हमारा अकाउंट नंबर, री अकाउंट नंबर यहाँ पर फिर से एक और बार डाल देंगे, आपका जो कि सेविंग है या फिर करंट वो डाल देना है, IFSC कोड डालने के बाद में आपको जो है कि यहाँ पर प्रोसीड पर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपको जो है कि आपके बैंक डिटेल्स आ जाएगी, इसी बैंक डिटेल्स में हमें लेना है तो इंस्टेंट अकाउंट वैलिडेशन पर हम क्लिक करते हैं। उसके बाद आपको जो है कि यहाँ पर दिखा दिया जाएगा इस प्रकार का ऑप्शन, जिसमें आपको जो कि एक सिग्नेचर करना होगा, आप चाहिए तो सिग्नेचर का फोटो खींच के इसका अपलोड भी कर सकते हैं अगर गैलरी में है तो। हम जो है कि यहाँ पर लाइव सिग्नेचर करके इसमें दिखाते हैं, साइन ऑन सिग्नेचर पर क्लिक करते हैं। इसके बाद हम जो है कि यहाँ पर हमारा सिग्नेचर अपलोड कर देते हैं, देख सकते हैं रवि दिखा रहा है। उसके बाद आपको जो है कि यहाँ पर अपलोड सिग्नेचर पर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपको जो है कि यहाँ पर फाइनल हम डिटेल्स में आ जाते हैं, जिसमें हमारा जो कि KYC वेरीफिकेशन रिक्वेस्ट सबमिट हो गया सक्सेसफुली,
जो जो दो और प्रोसेस बची है जिसमें यहाँ पर यूअर केवाईसी रिक्वेस्ट इज अंडर रिव्यू, यूअर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट विल बी रेडी टू फ्यू मिनट्स, हमारा जो कि अकाउंट जो है यहाँ पर रेडी हो जाएगा थोड़ी देर टाइम में, जो कि यहाँ पर जो आपको एक्सप्लोर फंड पर क्लिक कर देना है। आपको यहाँ पर 2 से 4 घंटे तक वेट करना है, आप जो कि उनको कॉल भी कर सकता है अगर कोई भी आपको यहाँ पर परेशानी आती है तो इस प्रकार से आपको जो है कि यहाँ पर इस एप्लीकेशन में आपको अप्लाई करना है या फिर टाटा कैपिटल में आपको अप्लाई करना है। कैसा लगा आपको वीडियो, वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करके जाना, मिलता है किसी और अदर वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।